हाँ दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, अब बहुत दिनों से मैं अपने YouTube पर नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि अभी घर में हूँ फिलहाल। इसी कारण मैं टॉपिक को अभी रोका हुआ हूँ। जैसे ही पटना जाऊँगा तो मॉडर्न हिस्ट्री जो चल रही थी उसको मैं कंप्लीट करवाऊँगा। पहले 3-4 टॉपिक बची हुई है, तो फिलहाल अभी घर में हूँ, इसी कारण मतलब कि नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो। मैं दोस्तों एक जरूरी सूचना को लेकर के आया हूँ। कल बिहार में बिहार पुलिस की एग्जाम कंडक्ट कराई गई बिहार सरकार के द्वारा, जो कि कहे तो एकदम नाजायज तरीका से, इलीगल तरीका से कराई गई। बिहार सरकार की जब बात आती है तो खून खोल उठता है नीतीश कुमार के ऊपर। कैसा घटिया सरकार है जो हमारे बिहार को एकदम बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। बिहार डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है? बिहार क्यों तरक्की कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, सरकार में कमी है। सरकार में कमी इसलिए कह रहा हूँ, मान चलिए कोई पद है, मान चलिए कोई ऐसा पद जिसपे कि एक उसकी जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, उस आदमी को वहां बैठना चाहिए, लेकिन वहां पे वो नहीं बैठ करके कोई ऐसा आदमी बैठा रहा है जो उसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं हो। इस तरीका का धांधली चलता है बिहार में। यही कारण है कि बिहार डेवलप नहीं कर पा रहा है, बिहार तरक्की नहीं कर पा रहा है। इसका बहुत दुख है दोस्तों मुझे कि बिहार सरकार इतनी गिरा हुआ काम करवा सकता है पैसा के चलते, सिर्फ पैसा के चलते। नीतीश कुमार सिर्फ पैसा पे काम करवाते हैं। उसकी इतनी घटिया सरकार है कि क्वेश्चन 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना पैसा ज्यादा पैसा पेड कीजिए उतना जल्दी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 10,000 पे क्वेश्चन बट रहा था एग्जाम सेंटर के बाहर। क्या यही नीतीश कुमार का यही एग्जाम कमाई तरीका है? आप लोग बताइए। ऐसे में तो जो लड़का तैयारी करके गया है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसको मेरिट से अपना एग्जाम निकाल सकता है, उसका क्या होगा? वो तब तक कोई भैंस चरा रहा है, कोई हल जोत रहा है, उसका फिजिकल तगड़ा है, 30,000 25,000 रुपये फेंका, क्वेश्चन लिया जाके एग्जाम में मार्क की चले आया। उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन शिफ्ट शिफ्ट कैसा था, पैटर्न क्या था, हार्ड था क्या, मॉडरेट था या इजी था, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उनसे पूछो तो क्या क्वेश्चन इजी है? क्यों? क्योंकि वो रट के गया है। जो लड़का तैयारी किया उनसे को पूछिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। सही बोले तो दोस्तों, मैं भी कल एग्जाम में बैठा हूँ, बिहार पुलिस की सेकेंड शिफ्ट मैंने एग्जाम दिया। मैंने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का भी एनालाइज मैंने किया किसी स्टूडेंट से, और सेकेंड शिफ्ट मैंने खुद दिया। दोस्तों सही बोले तो बीपीएससी लेवल की क्वेश्चन थी। उसकी जो पैटर्न था, जो सिलेबस दिया गया था, वो एकदम एकदम गलत घटिया सिलेबस अकॉर्डिंग चला है। सिलेबस में है कि हिंदी से भी क्वेश्चन पूछी जाएगी, जबकि सेकेंड शिफ्ट में हिंदी की क्वेश्चन नहीं आई है। सिर्फ एक दो राइटर का नाम पूछा गया है, एक दो पुस्तक की नाम पूछा गया है, एक वो हल्कू की जो पत्नी है उनके बारे में पूछा गया। बाद बाकी जो व्याकरण है, व्याकरण को टच भी नहीं किया गया। दोस्तों क्या यही तरीका है बिहार सरकार की? ये जो CSBC वाले हैं, यही तरीका है पूछने की कि क्वेश्चन लीक करवा दो, नहीं करवाना है कंडक्ट मत करवाओ। मेरा कहना है दोस्तों, बिहार सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, आप अगर एग्जाम कंडक्ट करवाने में सक्षम नहीं है तो मत करवाइए एग्जाम कंडक्ट। क्यों चुतिया बनाते हैं स्टूडेंट को? एकदम बेवकूफ बना रहे हैं सभी स्टूडेंट को, मूर्ख बना रहे हैं। इसे कह दीजिए कि 10 लाख टका दोनों को ले लो, सीधा सीधा कह दीजिए, जब पैसा कमाने का आपको मन है तो। गुस्सा फूट रहा है सरकार के ऊपर। मेरा तो मन करता है भी क्या कह दे नीतीश कुमार आपसे हाथ, श्री मेरे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप बिहार के जो भी एग्जाम ऑफलाइन है उसको ऑफलाइन को बदलिए, उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कीजिए, ताकि जो बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आप खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चे के भविष्य के साथ। सही माने दोस्तों कहे तो बिहार पुलिस की जो कटअप है, उसकी जो एग्जाम है, वो 50 से अब नहीं जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 50-55 ही ये कटअप हो सकती है, अगर ईमानदारी से अगर एग्जाम उसका कंडक्ट करवाया जाए। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं 85+ लेकर आया हूँ, वो रेयर केस में हो सकता है, 5,000 बच्चा में एक बच्चा ऐसा होगा जो 85+ जाएगा। अगर कहता है कि 5,000 में अगर 50 बच्चा कहता है तो मैं इंटरव्यू खुद लूंगा, उसको बुलाया जाए मेरे सामने, मैं इंटरव्यू लूंगा उसका कि तुम 85 कैसे कंडक्ट कर पा रहे हो। ये क्या सिलेबस में कहा गया था कि अंडर 10th के बेस पे एग्जाम लिया जाएगा, मैथमेटिक्स आएगी, सिलेबस में कहा गया था, लेकिन क्या सब इंटीग्रेशन डिटरमिनेशन क्या क्या पूछ दिया, 12th का पूछा गया सारा, टोटल 12th पे है। ये तरीका है पूछने का? मतलब आप बताइएगा कुछ, पूछिएगा कुछ, ऐसे काम होती है? तो मैं बिहार सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप बदनाम ना हो, आपको कोई चोर ना कहो, आपको कोई घुसखोर ना कहे, आपको कोई भ्रष्टाचार सरकार ना कहे। इतना बात अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो बिहार में जितने भी ऑफलाइन एग्जाम है उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करवाइए, नहीं तो चोर कहेंगे, कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। आपकी सरकार चोर की सरकार है। इतनी घटिया, इतनी घटिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी घटिया तरीका से। मेरे पास भी ऑफर आया कि भाई पैसा लो और पैसा दो क्वेश्चन लो। मैंने कहा मैं तैयारी किया हुआ हूं, मैं क्यों लूं पैसा? मेरे पापा मेहनत से, पसीना से,
अपने खून जला करके मुझे पढ़ाते हैं, बाहर में रखे हुए हैं, 6,000 रुपया महीना पेट करके पटना में मुझे पढ़ाते हैं। मैं अपने आप में फूल हूँ, मैं अपने आप में इतना तैयारी कर लिया हूँ कि मेरा रिजल्ट हो सकता है, लेकिन ये जो धांधली मैंने देखा, तो इस पे जो मैं अगर 60-70 के बीच में मैं अटेम्प्ट 100% करेक्ट करके आया हूँ, तो वो तो धांधली के बीच में इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कट ऑफ तो सीधे 80+ चल जाएगी। इसका मतलब है हम लोग कहीं की नहीं रहे, हम लोग का जो अंदर टैलेंट है या कुछ थोड़ी बहुत मेरिट है वो तो कोई काम का नहीं है। इसका मतलब है कि हम भी भैंस चराए, पंजाब कमाए, दिल्ली कमाए और पैसा कमा के आए, सरकार के पास फेंक दे, किसी के पास फेंक दे, क्वेश्चन ले ले जाके एग्जाम दे दे, इसे तो कोई बात नहीं बनती है। ऐसे में ही बिहार डेवलप नहीं करेगी दोस्तों, जब तक जो जो व्यक्ति जिस पद के लायक है उस पद पे नहीं पहुंचेगी बिहार डेवलप नहीं करेगी। तो बिहार को अगर डेवलप करना चाहते हैं कि ये राज्य भी जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, आज 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में है, अभी भी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, किसान कर्ज में डूबा हुआ है, क्यों? आखिर दिल्ली में भी सरकार है, वहां पर सरकार सबको सब फैसिलिटी देते हुए भी 9,000 करोड़ की बजट उसको फायदा होती है। अब बिहार कहता है कि घाटा में है, घाटा में है, घाटा में क्यों घाटा में हो भाई? अब घाटा में क्यों हो, क्या दिक्कत, परेशानी क्या है? परेशानी इस बात की है कि बिहार में सारे के सारे ऑफिसर भ्रष्टाचार है, एकदम घुसखोर है, यहाँ पे मोटी मोटी रकम दी जाती है अंदर से। कौन नहीं जानता है बिहार के बारे में, पूरा वर्ल्ड, पूरा पूरा विश्व जानते हैं बिहार सबसे घटिया, कहीं जाइए बिहार का नाम लीजिए एकदम थूकने का मन करता है, उसको बदनाम कर यहाँ के बिहार, जबकि प्राचीन जब काल से जब अध्ययन कीजिएगा तो बिहार देश की रीढ़ हुआ करती थी। जैसे कि शरीर को जब स्टैंड करने के लिए रीढ़ की आवश्यकता होती थी, वैसे देश को स्टैंड करने के लिए बिहार की आवश्यकता होती थी। उस टाइम मगध हमारे बिहार के ही स्टेट थे, हमारे बिहार के ही अंग थे, जो पूरा अपने विश्व में धाक जमाए हुए थे। आज वही बिहार है जिसकी कोई पूछ नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, सारी पहचान खत्म हो गई, जो विदेश से आते थे हमारे अध्ययन करने के लिए, विदेशों से दोस्तों आते थे हमारे बिहार में, नालंदा में अध्ययन करने के लिए, यह ज्ञान की केंद्र हुआ करती थी, लोग यहां से शिक्षा लेकर जाते थे। आज ये वही बिहार है जो बदनाम हो चुकी है। तो ये जो आक्रोश है ये बिहार सरकार के प्रति है, और वो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिहार का कोई भी एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवाए, ऑफलाइन करवाइएगा तो भ्रष्टाचारी होगी, घुसखोरी होगी, आप बदनाम होंगे। आप चाहते हैं कि मेरा भी इज्जत बना रहे और मेरा कैरेक्टर सही रहे, तो आप एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवाएं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप सभी से दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, वो कृपया करके इसको सोशल मीडिया पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि नीतीश कुमार तक पहुंच सके, मेरी आवाज को दोस्तों बढ़ाए, आगे बढ़ाए, मेरी आवाज को उन तक पहुंचाए, ताकि सरकार की कान खुले, जो सोए हुए हैं ना वो नींद की गोली लेके वो जगे, नींद से बाहर आए कि बिहार में कितना घटिया काम चल रहा है, पैसा पे क्वेश्चन बिक रहा है, 7 लाख टका दो नौकरी लो, क्या है? मैं कह रहा हूं फिर भी नीतीश कुमार, हमारे देश के आदर्श जो हमारे देश के सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी मैं विनती करता हूं कि मेरे बिहार के लिए कुछ ऐसा करे जो बिहार का विकास हो, यहाँ की जो बेरोजगारी है वो हटे, यहाँ के जो युवा है उनको रोजगार दे, जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ शिक्षा को लेकर सारी व्यवस्था करे, गांव-गांव तक इंटरनेट की सुविधा दे, ताकि बच्चा जो आर्थिक सक्षम नहीं है वो घर में बैठ के अपना स्टडी कर सके। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो बिहार में करवा ही सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं इतना बिहार के लिए आप करवाए, मोदी जी आपसे भी, और ये किसान बिल के जो मुद्दा चल रहे थे उन पे आप ले, उसके लिए ईगो ना पाले कि बिल पास करवा दिया तो बिल मैं वापस नहीं करूंगा, ये ईगो है एक तरीका का, मैं उस पर भी बोलना चाहता था लेकिन मैं बोला नहीं, आज बोल रहा हूं। आप चाहते हैं कि देश का भला हो तो देश का भला वाला काम कीजिए ना, कि बॉर्डर पर जाके किसान मरे, भूखे प्यासे मरे जाके वहां पे। आपको मैं अपना आदर्श मानता हूं, आप जैसा प्रधानमंत्री ना था ना होगा, लेकिन आप कोई कोई निर्णय गलत ले लेते हैं जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और देश की जनता को भी अच्छा नहीं लगता है। आप देश की जनता की अगर खुशी चाहते हैं, कि कहते हैं कि उसकी भी खुशी में मेरी खुशी है, उसकी भी सुने कि वो कहना क्या चाहते हैं, उसके दिल में दर्द क्या है, उनकी भी बातों को सुने, न कि अपने बातों पर चले। इसीलिए आपसे भी विनती लेते हैं, कोई भी डिसीजन लीजिएगा थोड़ा सोच समझ करके। आज कितने किसान जान दे दिए पता है ना आपको, कि देश से किसान से ही देश चलती है, अगर किसान नहीं होगी तो क्या खाइएगा, पैसा खाइएगा, नहीं अनाज उपजाएगी तो। इसीलिए किसान की भी सुने, सबकी भी सुने, और बिहार सरकार जो हमारे ये घटिया वाला काम कर रहे हैं इस पे जल्दी से जल्दी कोई बैठक करके और जो भी फैसला डिसीजन लेना हो हमारे बिहार के ऊपर भी ले। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और जो बिहार में धांधली चल रही है, घुसखोरी चल रही है, भ्रष्टाचारी चल रही है, चोर चमार सब
एकदम से लगे हुए हैं बिहार को बदनाम करने में, वो सिस्टम को हटाए, ऑनलाइन सिस्टम को लाए और हमारे बिहार को भी सक्षम होने में मदद करे। और जो भी हमारे दोस्त लोग हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच सके। दोस्तों कल मैंने बहुत बुरी तरीका से, मतलब क्या बताऊं, देख करके मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि लड़का 100 का 100 क्वेश्चन एकदम चार्ट पे बना के ले गया, उतार दिया। एग्जाम में ना कोई आधार कार्ड चेक हो रहा था, ना एडमिट कार्ड से, मेरा सेंटर था मोहनी देवी अररिया में, ना तो आधार कार्ड चेक किया गया, ना ही एडमिट कार्ड में फोटो चेक किया गया, ना कोई फेस मिलाया गया। ये क्या है, मतलब मत लीजिए ना एग्जाम, क्यों ले रहे हैं आप एग्जाम, मत लीजिए एग्जाम, बोल दीजिए नौकरी, पैसा दो नौकरी लो। बहुत ज्यादा दोस्तों आक्रोश में हूं मैं, आज मन करता है फूट पर उसके ऊपर। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है इस आवाज को आगे बढ़ाए, बिहार सरकार उसे नहीं सुनेगी, नहीं तो मेरे जैसा हमको क्या पड़ता है जो हम सरकार को इतना बात कहते, वो तो सबको चला रहे हैं, हम उसको क्या समझाते। काम ही ऐसा कर रहे हैं, हम क्या करें, काम एकदम घटिया वाला काम किए हैं। सरकार नहीं सक्षम नहीं है, मत करवाइए एकदम कंडक्ट, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं आप लोग बच्चे को। जो बच्चा जिस लायक है उसको उस पद को दीजिए ना, कि किसी को जो हर चलाने वाला है, हल जोत रहा है, उसको भी आप जगा के दे दीजिएगा, इंस्पेक्टर बना दीजिएगा, दरोगा बना दीजिएगा, कांस्टेबल बना दीजिएगा। और क्वेश्चन का लेवल देखिए, लगता है बीपीएससी का एग्जाम में बैठे थे कल हम, बीपीएससी का एकदम सेम बीपीएससी से भी तो हार्ड ही कहिए एग्जाम का लेवल। चलिए कोई नहीं, वो तो मेरे लिए सबके लिए था, उसके लिए मैं सरकार से कोई आपत्ति जताना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो किए हैं वो गलत है, सिस्टम को बदलिए, भ्रष्टाचारी घुसखोरी वाला सिस्टम बदलिए, 10,000 रुपया दो क्वेश्चन लो, ये सिस्टम को बदलिए और ऑनलाइन कंडक्ट करवाइए। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने के बाद सब सही हो जाएगा, 5-10% फिर भी फर्जीवाड़ा होती है, लेकिन फिर भी 90% जो टैलेंट बच्चा होगा, जिसमें मरिट होगा, वो पास करके अपना सीट लेगा, अपना हक के लिए लड़ेगा। या हम लड़ भी रहे हैं, कोई और लेके जा रहा है, ये क्या एकदम। मैं कुछ नहीं कहना चाहता दोस्तों, हाथ जोड़ के मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। बिहार सरकार आपको तो